हेलो ऑल दिस इज सानवी शर्मा आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोलफुल जर्नी आज मैं आपकी एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूं जो कि सेकेंड जुलाई 2021 के लिए है यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए यानी कि कल के दिन के लिए है देखते हैं कल के दिन आपको एंजल्स डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं किस तरह का दिन आपका कल का जाएगा लेट्स सी दैट कल के दिन में क्या चेंजेस होने जा रहे हैं Let's see, let's see. Okay. तो यहां पर पहला कार्ड है टू ऑफ विंटर का कार्ड है उल्टा है. मून का कार्ड है ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लवर्स का कार्ड है यहां पर ओके सो लेट्स सी विद दिस डेक आल्सो कि कल के दिन क्या होने वाला है कल का दिन आपका किस तरह का जाएगा लेट्स सी तो पहला कार्ड आपके पास है गाइडेंस का कार्ड है पोस्ट का कार्ड है ओके जुलाई की एनर्जी बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है ओके का कार्ड है तो यहाँ पर टू ऑफ विंटर का कार्ड है ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है जिस चीज़ के बारे में आप इनडिसन की एनर्जीज में रहे हैं पास्ट में या आज भी अगर आपको कोई इनडिसव चीज़ लगती है अपनी लाइफ के अंदर जिस चीज़ को लेकर आप जगल कर रहे हैं आपको पता नहीं वो चीज़ होगी कि नहीं होगी कल उस चीज़ को लेकर आपको बहुत स्पेशल गाइडेंस मिलने वाली है ठीक है और कल आप वो चॉइसेस बनाइएगा जब आपको ये गाइडेंस मिलेगी जिसमें आपका फ़ायदा हो दूसरे का फायदा किस चीज़ में है अगर आप दूसरों को खुश करते रह जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे ठीक है अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होकर चीजों के बारे में सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रैप्ड हैं। आपको जो ये गाइडेंस मिलने जा रही है वो भी आप उसी मैटर्स के रिगार्ड में कुछ होने जा रहा है जिन चीजों को लेकर पोस्टपोनमेंट हो रही थी वो चीजें अब पोस्टपोन नहीं होंगी बल्कि उन चीजों को सुलझाने का मौका आपको मिलेगा आप पर्टिकुलर सिचुएशन में से बहुत स्ट्रांग होकर बाहर निकलेंगे ठीक है आप किसी चीज़ को लेकर बहुत टाइम ता, से सैड थे आपको ये नहीं पता लग रहा था कि जिंदगी का क्या होगा किस तरह से वो जो आपका पर्टिकुलर स्फ़ेयर है चाहे वो आपका हेल्थ है चाहे करियर है चाहे फाइनेंसेस है चाहे आपकी लव लाइफ है कि वो कैसे खत्म होगी तो अब वो सैडनेस के हीलिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है आप उस सैडनेस में से बाहर निकल जाएंगे कल की एनर्जीज वाइब्रेंट एनर्जीज़ हैं लेकिन जो कंफ्यूज स्टेट है कल के दिन भी अगर आप जगल करते रह गए तो फिर इस चीज़ में थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज आपको देखने के लिए मिलेंगी आपको चीज़ों के ऊपर जगल नहीं करना है बल्कि आपको वहां पर कोई ना कोई डिसीजन बना लेना है जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है वो बहुत ही स्पेशल टाइप की गाइडेंस है यहाँ पर तो मून का कार्ड है विद द क्रिएटर का कार्ड है आपकी इंट्यूशन कल के दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है जिस चीज़ को लेकर आप इतना ज्यादा परेशान हैं वो जो आपकी परेशानी है उसे लेट गो कर दीजिए क्योंकि ईश्वर स्वयं आपकी हेल्प करने जा रहे हैं आपको बहुत ही ब्राइट सॉल्यूशन चीज़ों के मिलने वाले हैं ठीक है आपको असलियत पता लगेगी जिस चीज के बारे में आप इतना परेशान हैं अगर आपके फाइनेंसेस को लेकर आप ये सोच रहे हैं कि आपका प्रॉफिट क्यों नहीं हो पा रहा है आप पैसा जोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं तो उसके पीछे का जो भी रीजन है वो कल के दिन में आपको पता लगेगा आप शायद किसी पर्सन को गलत समझ रहे हो और उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ हो तो उस बारे में आपको कल के दिन पर कुछ पता लग सकता है इस तरह की एनर्जीज है जुलाई का महीना बहुत ही ज़्यादा जो डिले 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 थी उसको ख़त्म होने के लिए ही आया है और यहाँ पर गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिलने वाली है इस महीने में यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है ये यूनियन का कार्ड है और कभी कभी ये दुराहे को भी रिप्रेजेंट करता है मतलब दो रास्तों को रिप्रेजेंट करता है ठीक है यहाँ पर जो आपका सच्चा प्यार है जिस चीज के पीछे आप इतना ज़्यादा परेशान हैं उसके साथ आपका यूनियन मतलब आपकी हक की बात होने जा रही है ठीक है कल के दिन आपको चॉइसेस या डिसीजंस अपने दिल से बनाने हैं आपकी अगर हेल्थ का कोई इश्यू है तो कल वो रिजोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर करेज का कार्ड है आपने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया है ये एक चट्टान पे फूल खिलाने जैसा था और आपने इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया और अब वो ब्राइटनेस वो जो कहते हैं डीप मेहनत की है उसका फल आपको मिलने जा रहा है जो लोग स्पिरिचुअली कुछ कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर उनके लिए जुलाई का महीना एक रिमार्केबल महीना साबित होगा आप देखिएगा जरूर ओके okay, कल के दिन की जो एनर्जीज है वो यहाँ पर सैड एनर्जीज नहीं नजर आ रही हैं आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे अगर चीजों के बारे में इतना ज्यादा सोचते जाएंगे तो शायद मेंटल प्रेशर आप क्रिएट कर लेंगे तो उस चीज को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है कल का दिन फ्राइडे का दिन है कल के दिन आप व्हाइट कलर की चीजों का दान कीजिए व्हाइट कलर के कपड़े डालिए इत्र लगाना मत भूलिएगा परफ्यूम लगा सकते हैं इत्र लगा सकते हैं ओके okay, कल के दिन खट्टी चीज का सेवन नहीं करना है नींबू सॉस इन चीजों का सेवन कल के दिन पर आपको नहीं करना है कल के दिन पर अगर आप चावल का दान करेंगे तो आपको चावल भी नहीं खाने हैं इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कल के दिन माँ गौरी के मंदिर में जाकर उन्हें आप श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं माँ गौरी को सफेद रंग के फूल बहुत पसंद है वो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपनी एनर्जीज को अच्छी तरह से चैनलाइज कर सकते हैं आई होप यू हैव अ ग्रेट डे मोरो और ये जो सिग्निफिकेंट एनर्जीज है ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी ओके टेक केयर ऑफ योर सेल्फ हैव अ ग्रेट डे